एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास टू का इंग्लिश। सो क्लास टू के सारे लेसन्स और पोएम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने मुरली बिकम्स अ गुड बॉय किया था। इस वीडियो में करते हैं हमारा लास्ट लेसन, लेसन नंबर 9, भोलाराम्स मैजिक रिपेयर टॉय शॉप। ये है लेसन नंबर 9, भोलाराम्स मैजिक रिपेयर टॉय शॉप। सो भोलाराम एक अंकल का नाम है और उनका मैजिक रिपेयर टॉय शॉप। टॉय शॉप क्या होता है? जो खिलौने की दुकान होती है। तो वहाँ पर जो है भोलाराम जो है खिलौनों को रिपेयर करते थे। ठीक है, तो भोलाराम जो है सारे टूटे हुए खिलौनों को रिपेयर करके देते थे। तो यही था उनका रिपेयर टॉय शॉप। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन से टॉयज हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसके साथ आपको खेलना पसंद है। ठीक है, तो आपको ऐसे टिक करना है जिनके भी साथ आपको खेलना पसंद है, और जो नहीं पसंद है उस पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट टॉय है उसका नेम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अब हम लेसन को रीड करते हैं। भोला राम वॉज एन ओल्ड मैन। तो भोला राम एक बहुत बूढ़ा आदमी था। ही लिव्ड अलोन इन अ कॉटेज। वो अकेला रहता था एक कॉटेज में। कॉटेज मतलब एक छोटे से घर में रहता था, एक छोटे से हट में वो रहता था। ही स्माइल्ड एंड ग्रीटेड एवरी वन विद अ रेडी हेलो। वो हमेशा सबको स्माइल करके ग्रीट करता था। ग्रीट करना मतलब जब हम जैसे नमस्ते बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, है ना, हेलो हाय सब बोलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से स्माइल करके सबसे मिलता था। देन भोला राम रैन अ स्मॉल टॉय रिपेयर शॉप फ्रॉम हिज हाउस। और वो अपने ही घर में बैठ के एक टॉय रिपेयर शॉप चलाता था, मतलब अपने घर में ही रिपेयर का काम करता था। क्या रिपेयर करता था? टॉयज, खिलौने। देन पीपल सेड, और लोग कहा करते थे दैट ही न्यू सम काइंड ऑफ मैजिक। और लोग कहा करते थे कि जैसे उनके हाथों में कुछ जादू है, उनको जैसे कि कुछ जादू भी पता है, क्योंकि वो कोई भी टूटे फूटे खिलौनों को ठीक करके दे देते थे। He was able to repair all the toys. वो जो है सारे टॉयज को रिपेयर करके दे देते थे। Even those that came to him in a very bad condition. वो ऐसे टॉयज को भी ठीक कर देते थे जो उनके पास बहुत ही बुरी हालत में आते थे, यानी वेरी बैड कंडीशन, मतलब जो बहुत ही ज्यादा टूटे फूटे होते थे, उनको तक भोला राम ठीक करके दे देता था। ठीक है, सो पीपल, सो लोग समझते थे कि उनके हाथों में जैसे कोई जादू है। ठीक है, सो पीपल कॉल्ड हिज शॉप द मैजिक टॉय रिपेयर शॉप। इसलिए उस शॉप का नाम बन गया था मैजिक टॉय रिपेयर शॉप, क्योंकि लोगों ने ही ऐसा नाम रख दिया था उनके शॉप का, क्योंकि वो जो है सारे टॉयज को ठीक करके दे देते थे। When children came to his shop with broken toys, they looked sad. और जब बच्चे उनकी दुकान में आते थे टूटे फूटे खिलौनों के साथ, तो बच्चे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि जब खिलौने टूट जाते हैं तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, है ना। But they took back the toys. और जब वो खिलौनों को ठीक करवा के वापस ले जाने आते थे, each one had a broad smile and said, "Thank you, भोला राम अंकल." और जब वो खिलौनों को वापस ले जाने आते थे ना, तो उनके चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट रहती थी। ब्रॉड स्माइल मतलब बहुत बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती थी, क्योंकि वो जो है खुश हो जाते थे अपने टॉयज को फिर से काम करता हुआ देखकर। Let's see what happened one day. तो चलिए अभी देखते हैं एक दिन क्या हुआ। देखिए, ये हैं भोला राम अंकल और ये बैठ के रिपेयर कर रहे हैं, और रिपेयर करते हुए बोल रहे हैं, Oh, let me change the broken wheel of this car. तो वो काम करते करते कह रहे हैं कि चलो इस ब्रोकन व्हील को, यानी इस टूटे हुए पहिए को, इस कार के टूटे पहिए को मैं चेंज कर देता हूँ। और फिर वो चेंज कर देते हैं। Here you go. Here you go मतलब ये लो, ठीक हो गया। ठीक है, देन इट can run now, अब ये चल सकता है। And all other toys are also repaired. और इसी के साथ साथ बाकी जो खिलौने यहाँ पे है ना, ये सब भोला राम ने जो है ठीक करके रखा हुआ है। तो वो कहते हैं the children will come for them tomorrow morning. बच्चे जो है कल सुबह इन खिलौनों को लेने आएंगे। I should take some rest now. अब मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि भोला राम ने जो है ना सारे खिलौने ठीक कर दिए थे और यहाँ पर रख दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि
कि कल सारे बच्चे आके इन खिलौनों को वापस ले जाने आएंगे। वो सारे खिलौनों को वहाँ रख देते हैं और बोलते हैं अब मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, और वो भोला राम वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, द टॉयज टॉक टू वन अनदर, सारे खिलौने जो है एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सबसे पहले जो टॉय कार है ना, टॉय कार कहता है, लुक फ्रेंड्स आई हैव अ न्यू व्हील, देखो दोस्तों मेरे पास अभी न्यू व्हील्स हैं, मतलब मेरे नए नए पहिए लग चुके हैं। माई फ्रेंड गगन विल पिक मी अप टुमारो, मेरा फ्रेंड गगन, गगन मतलब वो बच्चा जिसका खिलौना था ये टॉय कार, तो ये टॉय कार कहता है अब जो मेरा दोस्त है गगन मेरे साथ खेलता है वो मुझे कल लेने आएगा। ही विल प्ले विथ मी अगैन, और अब वो मेरे साथ फिर से खेलेगा। तो जो टॉय कार है वो बहुत खुश है क्योंकि अभी वो ठीक हो गया है, उसके नए पहिए भी लग गए हैं। तो वो अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है, मतलब वो बच्चा जो जिसका ये टॉय था, ठीक है। तो ये सुनकर बाकी टॉयज भी बातें करने लगते हैं। तो देखिए अब कौन बोलता है, अब ये गुड़िया बोलती है, ये जो डॉल है ना वो डॉल बोलती है, हे माई आर्म इज ऑल राइट नाउ, ये देखो मेरे जो हाथ हैं वो अभी ठीक हो गए हैं, क्योंकि डॉल्स के क्या होते हैं हाथ निकल जाते हैं, है ना, तो ऐसे इसके भी निकल गए थे। तो ये बोलती है कि अब मेरे हाथ ठीक हो गए हैं, आई कैन मूव इट फ्रीली, अब मैं पहले की तरह फिर से अपने हाथों को फ्रीली मूव कर पा रही हूँ, चला पा रही हूँ। सुहानी विल टेक मी होम इन द मॉर्निंग, तो ये किसका टॉय है, ये सुहानी का टॉय है, ये जो डॉल है। तो वो कहती है कि अब जो सुहानी है वो मुझे लेने कल सुबह आएंगी, शी वॉज चेंजिंग माई ड्रेस वेन माई आर्म केम ऑफ, और इसका हाथ कैसे टूटा देखिए, जब सुहानी जो है इस डॉल के कपड़े चेंज कर रही थी, मतलब कपड़े बदल के खेल रही थी, तब मेरे हाथ जो है निकल गए थे। एंड शी क्राइड अ लॉट फॉर मी, और वो मेरे लिए फिर बहुत रोई भी थी जब मेरा हाथ टूट गया था, ये डॉल बता रही है, ठीक है। नाउ शी विल बी हैप्पी, और अब जो है वो खुश हो जाएगी, शी लव्स मी द मोस्ट ऑफ ऑल हर टॉयज, क्योंकि सुहानी अपने सारे खिलौनों में से सबसे ज्यादा मुझे पसंद करती है, इस तरीके से ये डॉल कहती है सबसे। तो सभी इन बातों को सुनते हैं, और उसके बाद फिर आती है टेडी बेयर की बारी। अब देखिए टेडी बेयर क्या बोलता है, टेडी बेयर कहता है ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब वो अपनी कहानी सुना रहा है, देखो आई कैन सी यू ऑल क्लियरली नाउ, अब मैं आप सबको बहुत अच्छे से देख सकता हूँ, आई बिलोंग टू जॉनी, मैं बिलोंग करता हूँ जॉनी का, मतलब मैं जॉनी का खिलौना हूँ। और देखिए उसके साथ क्या हुआ था, मदर पुट मी इन टू द वॉशिंग मशीन टू वॉश मी, तो जॉनी की मम्मी ने क्या किया था, जॉनी के टेडी बेयर को वॉशिंग मशीन में डाल दिया था उसको साफ करने के लिए। एंड आई मूव्ड राउंड एंड राउंड, और मैं क्या करने लग गया, मैं घूमने लगा, राउंड राउंड करके मैं जो है वॉशिंग मशीन में घूमने लग गया था। वन ऑफ माई आईज केम आउट, और इससे क्या हुआ, मेरी एक आंख जो है निकल गई क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में घूम रहा था। जॉनी वॉज वेरी सैड, और इससे जो जॉनी है जिसका मैं खिलौना हूँ वो बहुत दुखी हो गया था। ही केम हियर विथ मी, और वो मेरे पास यहाँ आया था मुझे यहाँ पर छोड़ने। आई एम हिज फेवरेट, टेडी बेयर भी कहता है कि मैं भी जॉनी का फेवरेट खिलौना हूँ। और देन ये सुनकर अब ट्रेन बोलता है, जो इंजन है ना, इंजन कहता है कम ऑन लिसन टू मी एवरीवन, अच्छा अच्छा आप सब मेरी बात सुनो। अब इंजन अपने बारे में बताता है, आई एम रघुस टॉय, मैं रघु का खिलौना हूँ। ही नेवर टू केयर ऑफ मी, वो कभी मेरा ध्यान नहीं रखता है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने खिलौना का ध्यान नहीं रखते, इधर उधर फेंकते रहते हैं, है ना। ही केप्ट मी केयरलेसली, वो बहुत ही अब बुरी तरीके से मुझे रखता है, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं रखता, केयरलेसली मतलब बिल्कुल ध्यान दिए बिना, है ना, अच्छे से नहीं रखना, यहाँ वहाँ पर छोड़ देना। हिज ग्रैंड मदर हैड गिफ्टेड मी टू रघु ऑन हिज बर्थडे, मुझे रघु की ग्रैंड मदर ने रघु के बर्थडे पे
रघु को गिफ्ट किया था। When my whistle and lights broke, और जब मेरे whistle, उसका जो whistle है ना, जहाँ से सीटी बजती है, तो मेरा whistle और जो मेरे lights है, वो broke हो गए थे, मतलब वो टूट गए थे, तो grandma ने रघु को डांटा था, scold करना, मतलब डांटना, she scolded रघु। He brought me to this shop. और रघु फिर मुझे इस दुकान पर लाया है। I hope that he will love me now. और अब मुझे लग रहा है वो मुझे पसंद करेगा क्योंकि मैं पहले की तरह ठीक हो गया हूँ। ठीक है, तो ट्रेन का क्या हुआ था, इंजन का, उसके विजल और लाइट्स जो हैं खराब हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे ये इस टॉय शॉप में आया था और अब वो भी ठीक हो गया है। देन ये सब सुनकर यहाँ पे जो एक टॉय बर्ड बैठी है ना, वो बोलती है आई एम श्योर He will love you well. तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब तुम्हें पसंद करेगा। I am Rina's toy. और फिर ये बर्ड कहती है कि मैं रीना का खिलौना हूँ। ठीक है, और one day she was angry. और एक दिन वो जो है बहुत गुस्से में हो गई थी रीना। She threw me on the floor and my beak broke. तो रीना ने एक दिन बहुत ही गुस्से में मुझे जो है फ्लोर पे फेंक दिया था, मतलब जमीन पे फेंक दिया था, और इससे मेरी चोंच टूट गई थी, बीक मतलब चोंच। ठीक है, तो ये चोंच जो है उसकी टूट गई थी। I was in a lot of pain. तो मुझे बहुत दर्द भी हुआ था, टॉय इस तरीके से कह रही है। Then but after some time, पर कुछ टाइम बाद she felt sorry for me. और कुछ टाइम बाद उसे बुरा भी लगा रीना को कि उसने मुझे फेंक दिया था। And carried me to this place. और इसलिए वो मुझे यहाँ पर लाई है। She also hugged me. उसने मुझे गले भी लगाया था। I wish all the children keep their toys carefully. मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने खिलौनों को ध्यान से रखे, carefully रखे, and do not throw away any toy in anger. और उन्हें कभी भी गुस्से में अपने खिलौनों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये बात वो कहती है कौन, ये जो चिड़िया है, ये जो टॉय बर्ड है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ ना, तो वो कहती है कि किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने खिलौनों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसी तरीके से खिलौने जो है रात भर एक दूसरे से बातें करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली दिन सुबह हो जाता है, और सुबह होने पर क्या है, सब बच्चे आते हैं अपने खिलौनों को लेने के लिए। सब भोलाराम अंकल के पास आते हैं अपने खिलौनों को वापस लेने के लिए। तो अंकल कहते हैं हेलो चिल्ड्रन, हाय करते हैं सबको, और बोलते हैं ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर टॉयज नाउ। अब सबको जो है अपने अपने खिलौने भोलाराम अंकल दे देते हैं और कहते हैं अब तुम सबको अपने खिलौने मिल गए हैं, टेक गुड केयर ऑफ देम। अब अच्छे से अपने खिलौनों का ध्यान रखना, ठीक है, मतलब अब उन्हें खराब नहीं करना, ध्यान से उन्हें खेलना, कहते हैं अंकल। तो सारे बच्चे कहते हैं यस वी विल, यस हम ऐसा करेंगे, यस वी विल, थैंक यू भोलाराम अंकल। और सब बच्चे कहते हैं भोलाराम अंकल को थैंक यू, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कमाल के हैं, क्योंकि आपने हम सब के खिलौनों को ठीक कर दिया। तो सब थैंक यू कहते हैं अंकल से। तो यही आपका लेसन है, भोलाराम्स मैजिक टॉय रिपेयर शॉप। ठीक है, तो होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, भोलाराम यूज्ड टू रिपेयर। तो भोलाराम क्या रिपेयर करते थे, भोलाराम टॉयस रिपेयर करते थे, तो टॉयस पे मार्क कर देते हैं। देन भोलाराम लिव्ड इन, भोलाराम कहाँ रहते थे, वो एक कॉटेज में रहते थे। ठीक है, तो हम कॉटेज को मार्क कर लेंगे। देन व्हेन द चिल्ड्रन गॉट बैक देयर टॉयस फ्रॉम भोलाराम दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेड, जब बच्चों को अपने खिलौने वापस मिले भोलाराम से, तो वो खुश हो गए और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था यू आर ग्रेट, आप बहुत कमाल के हैं, आप महान हैं। ठीक है, तो ऐसे कहा था। उसके बाद आपको करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, सही वर्ड्स लिखने हैं। देखिए डैश वॉज एन ओल्ड मैन, तो कौन है, भोलाराम। ठीक है, तो यहाँ पे भोलाराम लिखेंगे, भोलाराम वॉज एन ओल्ड मैन। देन भोलाराम रैन अ डैश रिपेयर शॉप, क्या शॉप चलाते थे, टॉय रिपेयर शॉप चलाते थे, तो हम यहाँ पे टॉय लिखेंगे। ठीक है, कि he ran a small toy repair shop. Then, when Rina was angry, she threw dash on the floor. तो she threw, उसने क्या फेंका था, she threw me on the floor. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं she threw
टॉय बर्ड ऑन द फ्लोर. ठीक है, तो अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. देखिए, हाउ डिड भोलाराम ग्रीट एवरीवन, भोलाराम सबको ग्रीट कैसे करते थे. आंसर लिखेंगे, भोलाराम ग्रीटेड एवरीवन विद अ रेडी हेलो, है ना, जो आपके लेसन में दिया गया है फर्स्ट लाइन में. देन हूज टॉय वॉज पुट इन टू द वॉशिंग मशीन, तो किसका टॉय है जिसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया था. जो टेडी बेयर था ना वो जॉनी का था, तो लिखेंगे जॉनीज टॉय वॉज पुट इन टू द वॉशिंग मशीन. देन नंबर थ्री, वॉट डिड द टॉय इंजन लॉस वेन रघु केप्ट इट केयरलेसली, जब रघु ने ध्यान से नहीं रखा अपने टॉय इंजन को तो उसका क्या गुम हो गया था. उसका विजल खो गया था और लाइट्स भी टूट गई थी, है ना. आंसर लिखेंगे, द टॉय इंजन लॉस्ट इट्स विजल एंड लाइट व्हेन रघु केप्ट इट केयरलेसली. देन नंबर फोर, व्हाई डिड पीपल कॉल भोलाराम शॉप द मैजिक टॉय रिपेयर शॉप, लोग भोलाराम की दुकान को मैजिक टॉय रिपेयर शॉप क्यों बोलते थे. सो पीपल कॉल्ड भोलाराम शॉप द मैजिक टॉय रिपेयर शॉप बिकॉज ही वॉज एबल टू रिपेयर ऑल द टॉयज दैट केम टू हिम इन अ वेरी बैड कंडीशन, कितने भी बुरे हालत में जब टॉयज उनके पास आते थे वो उन्हें ठीक करके दे देते थे, इसलिए सब उनके शॉप को मैजिक टॉय रिपेयर शॉप कहते थे. ठीक है, तो ये उसका आंसर है जो आपको ऐसे लिखना है. और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो इंग्लिश के सारे लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास टू इंग्लिश प्लेलिस्ट में. ठीक है, सारे लेसन और पोएम्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं. होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.